हमारे YouTube चैनल में। और मेरा नाम है अविन और आप देख रहे हैं समथिंग न्यू विद अविन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं जो आया हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये सोरों जी का कुंड है, सोरों जी की पवित्र गंगा है। फ्रेंड, ये मोक्ष स्थली सोरों है जहाँ भगवान ने पृथ्वी का उद्धार वराह रूप में किया था। तो फ्रेंड, इसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ और घुमाने वाला हूँ आपको पूरा सोरों तीर्थ। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो पे और देखते रहिए। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में सोरों कुंड के इस घाट पर हर रोज लोग सिर मुड़वाते हुए अस्थि विसर्जन करते दिखते हैं। लोग मानते हैं कि ये अस्थियाँ इस कुंड में पिघलने लगती हैं और 3 दिन के अंदर पानी में विलीन हो जाती हैं और प्रियजनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोरों कुंड की जो मान्यता है वो 12 पुराण से निकल कर सामने आती है। मोक्ष स्थली सोरों, जहाँ पृथ्वी का उद्धार भगवान ने वराह रूप में किया था। दोस्तों, बात उस समय की है जब दैत्यराज हिरण्याक्ष पृथ्वी को जल के अंदर ले गया, तब उसके उद्धार हेतु भगवान ने वराह रूप में लीला करने का निश्चय किया। पृथ्वी के पुनः स्थापना के उपरांत भगवान ने अपनी वराह रूपी देह का विसर्जन जिस पुण्य क्षेत्र में किया, वह स्थान आज सोरों सूकर क्षेत्र के नाम से जन जन की श्रद्धा के केंद्र के रूप में विराजमान है। दोस्तों, वराह भगवान के पुण्य प्रभाव से उस स्थान को विश्व संस्कृति के उद्गम स्थलों में से एक माना गया है। भगवान श्री वराह देव विसर्जन के प्रभाव के कारण यहां स्थित हरपति गंगे में मृतक की अस्थियां प्रभाव के 3रे दिन ही जल में विलीन हो जाती हैं। विश्व में कोई ऐसा दूसरा स्थान नहीं है जहां अस्थियां गलती हों। दोस्तों, यह मंदिर वराह भगवान का मंदिर है जो गंगा जी के तट पे बना हुआ है और इन्हीं वराह भगवान की वजह से आज सोरों जी विश्व में प्रसिद्ध हैं और लोग इनको बहुत बहुत दूर से जानते हैं। राजस्थान के लोग तो सोरों को सोरों जी कहकर बुलाते हैं। एक तीर्थ स्थान के लिए इतनी श्रद्धा शायद ही आप लोगों ने कहीं देखी होगी। मंदिर के अंदर वराह स्वरूप में भगवान की मूर्ति विराजमान है जो आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर ये मूर्ति बनाई गई है। दोस्तों, रामचरितमानस की अनुपम कृति देने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म भी यहीं सूकर क्षेत्र सोरों में हुआ था एवं उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं श्री नरसिंह पाठशाला में संपन्न हुई थी। आज भी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एवं उनके गुरु श्री नरहर जी के वंशज जीवित हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे कई छोटे बड़े मंदिर हैं जिनमें से कई मुख्य मंदिर हैं। एक यहाँ पे प्राचीन गुफा भी है जो गंगा मैया को धरातल पे लेके आए थे, जिनका नाम था भागीरथ। उनकी यहाँ पे एक प्राचीन गुफा है जिसका भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को भी वो वीडियो देखना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी एक सोरों की विचित्र जगह पे आया हूँ जहाँ की मान्यता है कि मतलब एक यहाँ पे कुआं है जिसकी मान्यता यह है कि यहाँ रामनवमी वाले दिन जो कुएं का पानी था वो दूध में बदल जाता था और सारे नगरवासी, सोरों के जितने भी नगरवासी थे, वो इस मतलब दूध को ले जाके अपने घर में खीर बना के खाते थे। तो इस जगह का नाम है दूधेश्वर महादेव मंदिर। तो फ्रेंड, मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ, यहाँ पे जो पुजारी हैं उनसे भी आपको मतलब अभी पूरी जानकारी दिलवाता हूँ। दोस्तों, सोम तीर्थ भगवान चंद्रदेव ने अपने साप से मुक्त होने के लिए इस पावन धरा पर सहस्त्रों वर्ष कभी सिरोमुख कभी अधोमुख नाना प्रकार से तपस्या भी की थी। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल साप मुक्त किया और यह वरदान भी दिया कि हे चंद्र, तुम्हारी साधना के प्रभाव से वर्ष में एक दिन यहाँ का जल दूध का रूप ले लेगा एवं जग में विश्वविख्यात होगा। तो दोस्तों, यही है वो कुआं जिसका जल रामनवमी वाले दिन दूध में परिवर्तित हो जाता था, यानी दूध बन जाता था, और सोरोवासी इसी दूध को ले जाकर अपने घर में खीर बनाकर खाते थे जो एक अमृत के समान होती थी।
ये बहुत प्राचीन मंदिर है, सोम तीर्थ के नाम से इसका लेख बराह पुराण में मिलता है। बराह पुराण में इसका सोम तीर्थ के नाम से लेख मिलता है। सोम अच्छा। माने चंद्रमा, चंद्रमा ने यहाँ तपस्या की थी, चंद्रमा की ये तपोस्थली है। चंद्रमा की तपोस्थली यही है जहाँ पे चंद्रमा ने तपस्या की थी। गौतम ऋषि के श्राप से छूटने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी उन्होंने। दोस्तों पुराणों में वर्णन आता है कि प्रलय में जब समस्त पृथ्वी जल में डूब जाती है उस समय भी बट का एक वृक्ष बच जाता है। वृक्ष के इस पत्ते पर ईश्वर वाल स्वरूप में विद्यमान रहकर सृष्टि के नाद रहस्य का अवलोकन करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश कई रहस्यमय जगहों से भरा पड़ा है, ऐसे ही यहाँ पे भी सोरों में भी और कई मतलब रहस्यमय स्थान है, जिनमें से अभी मैं आपको ले गया था दूधेश्वर मंदिर, और अभी मैं जहाँ पे आया हूँ ये बटुकनाथ मंदिर है सोरों में। ये जो पीछे बरगद का पेड़ जो देख रहे हैं, बताते हैं काफ़ी पुराना है और पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे बरगद के पेड़ 3.5 पेड़ हैं जिनमें से एक सोरों में है। दोस्तों पूरे भारतवर्ष में 3.5 वट वृक्ष हैं जिनमें से एक वट वृक्ष सोरों में है जो गृद्धवट के नाम से है, और बताते हैं कि ये सतयुग से यहाँ पर है। दूसरा वट वृक्ष जो है वो प्रयागराज में है, अक्षय वट के नाम से है जिसका समय है त्रेता युग, और तीसरा बंसी वट के नाम से वृंदावन में स्थित है जिसका समय है द्वापर, और जो आधा वट वृक्ष है वो उज्जैन में स्थित है जो सिद्ध वट के नाम से है, और उसको बताते हैं कि ये अभी कलयुग में ही मतलब ये सिद्ध हुआ है इसलिए इसका जो समय है वो है कलयुग। दोस्तों अगर आप सोरों आने की सोच रहे हैं तो इसके जो नज़दीक शहर है वो कासगंज है, और ये सोरों जी आगरा से बरेली हाईवे पे पड़ता है। तो फ्रेंड और यहाँ का जो नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो सोरों सुपर क्षेत्र ही है जो मतलब पास में ही है, गंगा जी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, किसी भी मौसम में आ सकते हैं, और बहुत ही अच्छा स्थान है, देखने लायक जगह है, तो ज़रूर आइएगा। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस जानकारी को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें जिससे मैं अगली वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।